नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी वोटर आईडी है या पहचान पत्र है आपके पास, और अपने पहचान पत्र को आप भी अपने आधार कार्ड से जोड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट जानकारी दूंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से अपने वोटर कार्ड को अपने आधार से कैसे जोड़ सकेंगे या आधार कार्ड से लिंक कैसे कर सकेंगे। साथियों, आपको पता ही होगा कि आपने अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को जोड़ा होगा और अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ा होगा। सेम टू सेम वैसे ही आपके वोटर कार्ड को भी आप अपने आधार से जोड़ सकते हैं। उसके लिए एक नया नोटिफिकेशन वोटर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर एक प्रोवाइड कर दिया गया है, एक ऑप्शन नया लॉन्च कर दिया गया है। तो आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे आप कैसे आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक कर सकेंगे, उसकी ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी अपने वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को कर लेते स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप कई बार आ चुके हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं इस रेड कलर के सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि हम लाते हैं हमारे चैनल पर इसी प्रकार सीएससी और डिजिटल सर्विस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हम डालते रहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसी प्रकार से डिजिटल सर्विस और न्यू सर्विस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी की स्क्रीन पर। यहाँ से आपको सिंपल सा कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको सिंपल सा यहाँ पर गूगल में सर्च कर देना है NVSP। इस टाइप से आपको लिख कर सर्च कर देना है NVSP। इस टाइप से आप लिख कर जैसे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट में ये वाली वेबसाइट ओपन होकर सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वेबसाइट के माध्यम से करना है, तो आप ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देख सकते हैं इंटरफेस कुछ इस टाइप से दिख जाएगा आपको स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सारी सर्विसेज यहाँ पर दिख जाएगी। तो सर्विस देखने से पहले आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन का और रजिस्टर का। तो अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आए हैं तो आप सिंपल सा देख सकते हैं इस लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपको सारा काम यहाँ पर एक यूज़र आईडी बनेगी आपका वोटर पोर्टल पर। इस टाइप से आपको यूज़र आईडी के अंदर ही आपको सारा काम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर अपना मोबाइल या ईमेल के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अपना यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास इसका आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है नए यूजर हैं, तो आप देख सकते हैं आपको नए यूजर को यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेप से ही एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा आपको। तो अपना यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एंटर कर लेना। आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पर कैप्चा एंटर कर लेना है। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, और सिंपल सा आपको वन टाइम पासवर्ड एंटर करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए रजिस्टर करने के लिए हमारे चैनल पर एक अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको, आप उसको विजिट करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको आगे बता देता हूँ। देख सकते हैं लॉगिन होने के बाद सर्विसेज कुछ इस टाइप से दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जैसे ही लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पर सारी सर्विसेज आपको इस टाइप से दिख जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पर वेलकम करके यहाँ पर लिखा रहेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे अगर आप देख सकते हैं रजिस्टर AS न्यू इलेक्ट्रोल या फिर न्यू वोटर के लिए आप यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। और भी यहां पर देख सकते हैं आप रजिस्टर AS और भी ऑप्शन मिल जाते हैं यहां पर बहुत सारे, आपको यहां पर सिंपल सा पढ़ लेना है। और भी यहां पर देख सकेंगे कि आपको यहां पर वोटर कार्ड को अपने आधार से लिंक करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाय एग्जिटिंग इलेक्टर्स। तो इस टाइप से ये ऑप्शन मिल जाता है आपको, सिंपल सा इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से
स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रारूप दिख जाते हैं, यहाँ पर प्रारूप का प्रकार यहाँ पर दिख जाते हैं, आपको इनको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपने आधार से वोटर कार्ड को जोड़ने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 6B वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उससे पहले आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर पढ़ लेना है 6B वाले ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मौजूदा निर्वाचकों द्वारा आधार संख्या की जानकारी के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद देख सकते हैं आपको इस टाइप से एक पेज दिख जाएगा, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। देख सकते हैं आपको एक क्या लिखा रहता है यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 6B, तो इस टाइप से फॉर्म 6B लिखा रहता है। यहाँ पर आपका स्टेट मिल जाता है, आपने जो अपना वोटर ID क्रमांक डाला था, अपने मोबाइल से जो अकाउंट बनाया था, वहाँ पर जो इस टाइप से स्टेट दिख जाएगा, और आपका यहाँ पर अपना जो मानधाता या फिर आपका जो भी वाचन क्षेत्र है वो दिख जाएगा। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे पर्सनल डिटेल दिख जाएगी, आपकी जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर दिख जाएगी। इन्फॉर्मेशन पर्सनल डिटेल में जैसे कि आपने अपने मोबाइल से जो ID बनाया था या यूजर अकाउंट बनाया था वो यहाँ पर दिख जाता है। फर्स्ट नेम आपका, लास्ट नेम दिख जाएगा, और सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आपका वोटर ID का क्रमांक दिख जाएगा, जो भी आपने अपना अकाउंट बनाया था उस टाइम जो ID क्रमांक डाला था वो यहाँ पर दिख जाएगा। अब आपको सिंपल सा अपना यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद देख सकते हैं एक ईमेल ID इंटर कर लेना है आपको। यहाँ पर अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको फिर से नीचे चले जाना है। जैसे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अपने आधार की डिटेल को इंटर कर लेना है। उससे पहले आप देखेंगे आपको यहाँ पर पढ़ लेना है क्या लिखा रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद देख सकते हैं आपके पास अगर आधार नंबर है तो यहाँ पर पहले ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है देख सकते हैं नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं आप। आधार नंबर आपके पास है और अगर आपने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर लेना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पर प्लेस लिख लेना है, जिस प्लेस से आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम यहाँ पर लिख देना है, उस सिटी का नाम यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद में डेट ऑटोमेटिक आपको फिलअप करी हुई दिख जाएगी, जिस डेट में आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं वो डेट दिख जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेना है, इतनी सारी डिटेल को अच्छे से फिल कर लेना है, सही सही डिटेल है। तो उसके बाद में देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रीव्यू का, तो इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिंपल सा फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है। इतनी सारी डिटेल जब डालेंगे आपको, जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर आगे देख सकते हैं प्रीव्यू देखने पर यहाँ पर इस टाइप से आपको दिख जाएगा। तो इस टाइप से आपको प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू देखने के बाद देख सकते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद में एक सबमिट वाला बटन यहाँ पर दिख जाता है आपको यहाँ पर राइट में, तो इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक जब करना है आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो यहाँ पर आपको सिंपल सा सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से प्रोसेसिंग होगी और आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर एक यहाँ पर एक ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस रेफरेंस नंबर को संभाल के रख लेना है या फिर इसके यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इस नोट करके इस रजिस्ट्रेशन नंबर को या रेफरेंस नंबर को आपको लिख लेना है, क्योंकि लिखने से फ़ायदा ये है कि आप इसे बाद में ट्रैक करना चाहते हैं तो इसे ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं या फिर आप सिंपल सा होम कर लेंगे और होम करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको बाद में अगर ट्रैक करना है इसी वेबसाइट पर आने के बाद, तो इस टाइप से इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। देख सकते हैं इस टाइप से आपको यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर डाल देना और यहाँ पर ट्रैक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से इंटरफेस सामने से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिटेड करा हुआ है और यहाँ पर अगर आपको एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर दिख जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको फॉर्म द्वारा डाली गई डिटेल यहाँ पर दिख जाती है, जो भी आपने किस फॉर्म को डाला है, फॉर्म का टाइप दिख जाता है आपको नीचे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर्म 6B, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ब्राउज़र के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन बता दी अपने वोटर कार्ड को आधार से कैसे जोड़ सकते हैं। अभी मैं आपको सिंपल सा बताने जा रहा हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे जोड़ेंगे, तो चलिए मैं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अब बता देता हूँ आपको। पर मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा इस एप्लीकेशन को यहाँ पर सर्च कर लेना है, वोटर हेल्प। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से दिख जाएगा इसका स्क्रीन
स्क्रीन पर लोगो यहाँ पर दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं ऑफिशियल डैशबोर्ड कुछ स्टेप से दिख जाएगा इस मोबाइल एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग का यहाँ पर लोगो दिख जाता है। उसके बाद में देख सकते हैं आपको इस वोटर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मतदाता सेवाएं दिख जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज सेटिंग ऑप्शन मिल जाता है आपको, और भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 नंबर मिल जाता है, डिलीटेशन के लिए यहाँ पर 7 नंबर फॉर्म मिल जाता है, उसके बाद में करेक्शन के लिए 8 नंबर फॉर्म मिल जाता है। तो आपको अपने वोटर कार्ड अगर आपको आधार से लिंक करना है तो देख सकते हैं नीचे ऑप्शन एक मिल जाता है आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन फॉर्म 6B, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से इंटरफेस सामने से हो जाएगा वोटर हेल्पलाइन का। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मतदाता मित्र है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम मतदाता मित्र है, और यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपका निजी डिजिटल सहायक हूँ। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन दिखेंगे, आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है चलो शुरू करें, या स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से इंटरफेस सामने से हो जाएगा। अभी देख सकते हैं कि आपके पास पहले से वोटर आईडी नंबर है, तो आप देख सकते हैं आपको पहले वाले ऑप्शन पर अगर आपके पास वोटर आईडी है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारे पास वोटर आईडी क्रमांक है तो हम पहले ऑप्शन सिलेक्ट करके इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर आपके पास जो वोटर आईडी क्रमांक है उसको यहाँ पर एंटर कर लेना है। वोटर आईडी एंटर करने के बाद देख सकते हैं आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर देख सकते हैं फिचिंग डाटा या यहाँ पर विवरण प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो इतनी सारी डिटेल डालने के बाद जैसे ही विवरण प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर अपना का डाटा यहाँ पर फिचिंग कर लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमें आपकी रिक्वेस्ट या रिकॉर्ड मिला है, तो यहाँ पर आपको अपना रिकॉर्ड मिल जाएगा जैसे सर्च करेंगे। तो उसके बाद में इस आगे बड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जो बेसिक डिटेल है वो वोटर आईडी पर या फिर आपके वोटर आईडी क्रमांक पर वो यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर अपने यहाँ पर सारी डिटेल को यहाँ पर एक बार इन्फॉर्म कर लेना है। यहाँ पर सारी डिटेल को यहाँ पर कन्फर्म करने के बाद देख सकते हैं आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाता है अगला या नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में देख सकते हैं आपको यहाँ पर इस टाइप से राइट वाले निशान दिखा दिए जाएंगे। आपका जो डिटेल अगर सही है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सारी डिटेल यहाँ पर दिखा दी जाएगी, जैसे कि आपका नाम है, आपके अपना जो क्षेत्र लगता है आपका विधानसभा वो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे जाना है। उसके बाद में देख सकते हैं जैसे स्क्रॉल डाउन करते नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं आधार का विवरण मांगा जाएगा। आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। आपको अपने पास आधार नंबर नहीं है तो इस चेक मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी डाल देना है, और यहाँ पर अपना स्थान को यहाँ पर इंटर कर लेना है, जिस स्थान से आप अप्लाई कर रहे हैं आवेदन उसको यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद में देख सकते हैं एक नीचे ऑप्शन दिख जाता है पूर्ण का, तो यहाँ पर पूर्ण वाले ऑप्शन पर या फिर कंप्लीट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद देखेंगे आपका यहाँ पर टाइमिंग चालू हो जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं एक बार पुष्टि करने के लिए आपको बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल को एक बार फिर से रीड कर लेना, अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर सारी डिटेल आपने जो इंटर किया है वो डिटेल, और जो फिचिंग किया है या फिर आपने जो सर्च किया है वो डिटेल सारी सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुष्टि करें या फिर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप से प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के देख सकते हैं आपको यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन मिल जाएगा, आपको एक ट्रैकिंग नंबर या एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी ब्राउजर के माध्यम से यहाँ पर रजिस्टर कर चुका हूँ, तो यहाँ पर हमारे को ऑलरेडी का मैसेज आ गया है। तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप भी अपने वोटर कार्ड को आधार से बड़ी आसानी से घर बैठे मोबाइल के माध्यम से लिंक कर सकते हैं या कर सकेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि हम लाते रहते हैं हमारे चैनल पर इसी प्रकार CSE और डिजिटल सर्विस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा लेटेस्ट न्यू और डिजिटल सर्विस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन।